इसराइल की नीतियों के खिलाफ जनता ने विरोध शुरू कर दिया है। सैकड़ों कट्टर यहूदी यरूशलम में इसराइल की फौज नीति का विरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दरअसल इसराइल में 18 साल से ऊपर सबके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है और युद्ध के वक्त सेना में शामिल होना होता है, लेकिन ये नियम कट्टर यहूदियों पर लागू नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन यहूदियों का सेना में जाना जरूरी हो गया है। रूसी अफसरों ने यूक्रेन की सीमा से लगे इलाकों में लोगों से डेटिंग ऐप्स को फोन से हटाने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। रूसी अफसरों का कहना है कि डेटिंग और सोशल मीडिया ऐप के जरिए यूक्रेनी सेना को इलाके की संवेदनशील जानकारी मिल रही है। इस जानकारी की मदद से वो कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। पुर्तगाल के जंगलों की आग बढ़ती जा रही है, 7 दिन बाद भी इस पर काबू नहीं पाया गया। जानकारी के मुताबिक पुर्तगाल के मदेरा इलाके में आग का सबसे ज्यादा असर है और ये आग अब पीको रुइवो तक पहुंच गई है। आग की वजह से सैकड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। 4,300 हेक्टेयर का इलाका जलकर खाक हो चुका है। ईरान में पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पलट गई। इस दुर्घटना की वजह से कम 28 यात्रियों की मौत हो गई है, 23 घायल हो गए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि ब्रेक नहीं लगने की वजह से यह हादसा हुआ। ये सड़क हादसा ईरान की यज्द प्रोविंस में हुआ, जो तेहरान से 500 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के तीर्थयात्री शिया समुदाय से थे और ये सभी अरबईन के लिए इराक के शहर कर्बला जा रहे थे। जापान में बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जापान के एयरपोर्ट स्टोर से एक जोड़ी कैंची गायब हो गई, जिसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ा। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से 237 फ्लाइट प्रभावित हुई। इनमें से 36 उड़ानें पूरी तरह से रद्द करनी पड़ी, जबकि 201 फ्लाइट का समय बदला गया। जापान के होकाइडो के न्यू चिटोज हवाई अड्डे के घरेलू टर्मिनल पर यह घटना हुई। बाद में पता चला कि दोनों कैंची स्टोर में ही रखी हुई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।